इंडियन रेलवेज को थोड़ा सा उसको डेवलप कर लें, देन ओनली आफ्टर दैट बुलेट ट्रेन सक्सेसफुल हो पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन आ रही है इंडियन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू सी दिस प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन, हाउ यू सी दिस? मुझे तो नहीं लगता यार बुलेट ट्रेन के आने से कुछ हो जाएगा। बुलेट ट्रेन इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। इफ़ यू नो द प्रोजेक्ट फंडिंग कॉस्ट, इट इज़ 0.01%। मतलब इंडियन रेल में भी इतना बुरा हाल है तो बुलेट ट्रेन का तो। दिस प्रोजेक्ट ब्रिंग्स इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, और बुलेट ट्रेन इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू इंडिया। मेरे को ये लगता है कि ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। इट्स नीडेड यार, बहुत टाइम लगता है ट्रैवल करने में। एक तो दिल्ली में ही इतना टाइम लगता है, कहीं तो कम लगे। सी, रादर देन गोइंग इनटू द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, राइट, दे शुड दिस कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग बेटरमेंट फॉर द इंडियन रेलवेज रादर देन गेटिंग दिस दैट इज ओनली फ्रॉम अहमदाबाद टिल बॉम्बे। बुलेट ट्रेन आ रही है, एक नई सोच लेके आ रहे हैं मोदी जी। वैसे तो अच्छा डिसीजन है बुलेट ट्रेन का, बट जो जनरल अगर ट्रेन की बात करें तो जनरल डिब्बों में आपने देखा होगा इतने पैसेंजर्स हैं और फैसिलिटीज़ नहीं है। रेलवे की बात करें, इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूँ, तो उनमें यानी कि डिब्बे और बढ़ाने चाहिए ताकि जो जनरल पैसेंजर हैं उनको मुश्किल ना हो। देश की प्रोग्रेस के लिए इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इससे, और बहुत सारी चीज़ों का आप जैसे जैसे न्यू आपके पास टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ों के आपके रास्ते खुलते हैं। वन काइंड ऑफ अ ड्रीम यू जस्ट हैव, यू हैव सीन इन द राइट नाउ, यू कैन से द टीवी, दिस इज द टीआरपी, दे आर मेकिंग ए न्यूज़ फॉर द ऑल ऑफ द व्यूअर्स। वी हैव लॉट ऑफ अदर इश्यूज इन इंडिया, डू वी रियली नीड बुलेट ट्रेन राइट नाउ? यस, वी नीड एवरीथिंग। बुलेट ट्रेन जरूरी है, बट अगर हम बुलेट ट्रेन के फोकस करने बजाय अभी इंडियन रेलवे पे फोकस करें तो वो ज़्यादा जरूरी होगा। तो पहले आपका लोकल था तो दिल्ली में भी लोकल ही होना चाहिए, मेट्रो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज है। तो सब जगह पे इश्यू रहते, ठीक है, उसको सॉल्व करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। वी नीड डेवलपमेंट एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। And up, how you, what do you want to comment about the current situation of Indian Railways? What's your comment on the current situation of Indian Railways? Indian Railways, I don't think so. They've lived up to the standard after Modi's government's come in. A lot of issues. The expectations are very high in terms of improvement of services. So that's not happened. पहली दिक्कत तो है कि bullet train ना लाके यहाँ पे भी innovatives लाने चाहिए थे। ऐसा करना चाहिए था कि इतना investment वैसे मेक इन इंडिया हो रहा है, बट वहाँ से आप फिर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या फ़ायदा क्या हुआ फिर उसका मेक इन इंडिया? सेफ्टी सिस्टम एंड ऑल शुड बी डेवलप फर्स्ट, ऑफ कोर्स इट शुड बी पैरेलली, इट शुड हैपन विद बुलेट ट्रेन, सो वट एवर डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग। सुधार तो करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन रेलवे में बहुत मतलब लोग कहीं भी कुछ भी करके चले जाते हैं, थूक एंड ऑल, मतलब और बाथरूम से ना ऑल कुछ भी सही से कर नहीं रखा है। करंट सिचुएशन में यूपी में जितने भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, उसके सामने बुलेट ट्रेन एक सबके लिए चैलेंज है कि अपना इंडियन सही तरीके से नहीं हो रहा और इम्पोर्टेड चीज़ अपन कैसे सही कर पाएंगे। पॉलिटिक्स छोड़ के नेशन के बारे में सोचो, एवं नेशन को डेवलप कर लो। पॉलिटिक्स तो किसी की नहीं है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, आती है, जाती है, चली जाती है, लेकिन आप नेशन के बारे में सोचोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और नेशन को भी फ़ायदा होगा।